दोस्तों, कागज का इस्तेमाल तो आज पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन क्या आपको कागज के इतिहास के बारे में पता है कि कागज का आविष्कार किसने, कब और कैसे किया? भारत में कागज का आविष्कार कब से शुरू हुआ? आज हम आपको कागज के इतिहास की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिनसे आप आज तक अनजान होंगे। आज कागज के बिना हमारे सभी काम अधूरे हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो या बैंक, व्यापार, ऑफिस आदि का काम। कागज की आवश्यकता हमें हर जगह पड़ती है। कागज को बनाने में घास फूस, लकड़ी, कच्चे माल और सेलुलोज आधारित उत्पाद का इस्तेमाल होता है। कागज का आविष्कारक चीन को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले कागज का इस्तेमाल चीन में ही किया गया था। कागज का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम है काई लुन, जो चीन के रहने वाले थे। इन्होंने 202 ईसा पूर्व में हान साम्राज्य के समय में कागज का आविष्कार किया था। काई लुन द्वारा किए गए कागज के आविष्कार के पहले लेखन के लिए आमतौर पर हड्डी, लकड़ी, बांस और कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। इससे भी पहले 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में पेपर बनाने के लिए पेपिरस नाम के पौधे का इस्तेमाल किया गया था, जो नील नदी के पास उगाया जाता था। पेपिरस नाम के इस पौधे से ही पेपर नाम रखा गया था। प्रारंभ में लेखन के लिए आमतौर पर बांस या रेशम के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन परेशानी ये थी कि रेशम काफ़ी महंगा था और बांस काफ़ी भारी होता था। इसके बाद काई लुन ने एक ऐसा कागज़ बनाने की सोची जो सस्ता होने के साथ साथ हल्का भी हो और जिस पर लिखने में कोई परेशानी ना हो। उस समय काई लुन ने भांग, शहतूत, पेड़ की छाल तथा अन्य तरह के रेशों की सहायता से कागज़ का निर्माण किया था। ये कागज़ चमकीला, मुलायम, लचीला और चिकना होता था। इसके बाद कागज़ का इस्तेमाल धीरे धीरे पूरी दुनिया में होने लगा। इस उपयोगी आविष्कार के कारण ही काई लुन को कागज़ का संत भी बोला जाता है। शुरुआत में कागज़ बनाने के लिए पौधों का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल पौधों को पानी के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता था और इसके अंदर एक छन्नी डुबाई जाती थी, जिसे धूप में सुखा दिया जाता था। उसके बाद अलग अलग पौधों को लेकर अलग अलग तरह से पेपर बनाए जाने लगे, और जैसे जैसे पेपर को बनाने वाले सांचे में बदलाव होता गया, वैसे वैसे ही पेपर और भी बेहतर होता गया और पेपर को बनाने में और भी ज़्यादा आसानी होने लगी। पेपर का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन चीन इस पेपर को बनाने के तरीके को दुनिया में किसी को भी बताना नहीं चाहता था, और इसी कारण पेपर कई सालों तक सिर्फ चीन तक ही सीमित रहा। भारत में कागज़ की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई। उस समय पेपर भारत में व्यापक रूप से नहीं फैल पाया था। इसको पूरे भारत में फैलने में 12वीं शताब्दी तक का समय लगा। बाद में इसका इस्तेमाल पूरे भारत में होने लगा। भारत की सबसे पहली पेपर मिल 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत सेरमपुर पश्चिम बंगाल में 1812 में की गई थी, पर उस समय पेपर की कम खपत की वजह से इसे सफलता नहीं मिली। लगभग 1100 ईस्वी में कागज़ उत्तरी अफ्रीका में पहुंचा और 1150 ईस्वी तक ये एक धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप स्पेन पहुंच गया और यूरोप में पहला पेपर उद्योग स्थापित हुआ। 1453 ईस्वी में योहान गोटेनबर्ग ने छपाई प्रेस का आविष्कार किया। वहीं उत्तरी अमेरिका का पहला पेपर उद्योग फिलाडेल्फिया में 1690 में स्थापित किया गया। 1830 और 1840 के दशक में फ्रेडरिक गोटलोब केलर और चार्ल्स फेनर्टी ने लकड़ी के द्वारा कागज़ बनाने की शुरुआत की। इन्होंने कागज़ बनाने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसमें लुगदी के टुकड़ों की बजाय उन्होंने लकड़ी का पुष्पण करने के बारे में सोचा। उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया, जिसमें लकड़ी से तंतुओं को निकाला गया था। चार्ल्स फेनर्टी ने कागज़ बनाने के लिए प्रयोग होने वाली लुगदी को ब्लीच कर दिया, ताकि कागज़ सफ़ेद हो सके। इस प्रयोग ने पेपर इंडस्ट्री में एक क्रांति ला दी थी। बाद में 19वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिमी दुनिया के लगभग सभी प्रिंटर कागज़ बनाने के लिए कपड़ों के टुकड़ों के बदले लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे। आधुनिक समय में पेपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है और ये पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी है। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके।